गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सरअफ़दल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th क्लास इंग्लिश 1.5 हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसकी टोटल एक्टिविटीज़ यानी पूरी एक्टिविटीज़, क्वेश्चंस, आंसर्स, इंग्लिश वर्कशॉप, लैंग्वेज स्टडी और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, पर्सनल रिस्पॉन्स और सोल्यूशन के साथ में हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी है, यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं ट्रू और फॉल्स, तो आपको आंसर डायरेक्ट यहाँ पर दिया गया है। द यंग सीगल वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द एबिलिटी ऑफ हिज विंग्स, ट्रू। द यंग सीगल्स पेरेंट्स गाइडेड एंड इम्प्रूव्ड हिज सिबलिंग्स इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, ट्रू। द विंग्स ऑफ द यंग सीगल वेयर नॉट एज शॉर्ट एज हिज ओन, फॉल्स, यानी वो तो बड़े थे, इसमें शॉर्ट कह रहा है। द होल फैमिली ऑफ सीगल्स कमेंडेड हिज हिम फॉर हिज कॉवर्डाइज, पूरी की पूरी फैमिली उसको क्या कर रही थी, उसके कॉवर्डाइज यानी बुजदिली के लिए उसको यहाँ पर क्या कर रहे थे, भरोसा दिला रहे थे क्या, गलत, तो यहाँ फॉल्स। कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी का पहला है, हाउ डिड द सीगल पेरेंट्स परफेक्ट द यंग सीगल्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, यानी इसमें सीगल के पेरेंट्स ने यंग सीगल के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को आर्ट ऑफ फ्लाइट में कैसे उसके परफेक्ट किया था। द पेरेंट्स ऑफ द सीगल फ्लू अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, वो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ वो भी उड़ रहे थे साथ में और उसको परफेक्ट करना सिखा रहे थे। दे ट्रेंड देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, वो सिखा रहे थे कि वेव्स के साथ में कैसे स्किम करना है और मछली पकड़ने के लिए डाइव कैसा लगाना है। When they succeeded in the art, the parents circled about them, rising a proud cackle to encourage them. और जब वो उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कामयाब हो गए तो पेरेंट्स ने उसके अतराफ में चक्कर लगाया और प्राउड कैकल यानी फ़ख्री अंदाज में वो क्या कर रहे थे, उनको इनक्रेज कर रहे थे। ये वेब डायग्राम कंप्लीट करना है, इसके फीलिंग्स, यंग सीगल के फीलिंग्स बताना है। द यंग सीगल्स फीलिंग वाइल ट्राइंग टू फ्लाई, He was afraid of flying. वो उड़ने से डर रहा था। He ran to the brink of the edge, but when he saw the great expanse of the sea, he was worried about his short wings. वो दौड़ता हुआ किनारे तक जाता, लेकिन जैसे ही सामने समंदर को देखता वो अपने छोटे पंखों की वजह से परेशान हो जाता। He could not gather his courage to take the plunge, और वो अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वो पहली उड़ान भर सके। He felt that it was desperate and difficult, और उसे एहसास हो रहा था कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक्टिविटीज बेस्ड ऑन वोकैबलरी, अब यहाँ पर देखेंगे कि रीड द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली, नो देयर मीनिंग्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, अब यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हैं उसे ब्रैकेट में डालना है, इसके आंसर्स हमने डायरेक्ट दे दिए हैं। अफ्रेड, प्लंज्ड, अपीयर्ड, श्रिल्ली, स्किम्ड, डिवर्ड, कॉवर्डाइज, अब इसमें से कौन कौन से डालना है। पहला, अरुण इज़ फुल ऑफ कॉवर्डाइज, अरुण जो है डर, बहुत ही ज़्यादा खौफ से भरा हुआ था यानी डरपोक था। द वायोलिन प्लेड बाय वेरी श्रिल्ली एंड मेरीली, जो वायोलिन है बहुत तेज़ी से और खुशी से बजाया गया। रवि सेड, आर यू रियली अफ्रेड ऑफ द डार्क, रवि ने पूछा क्या तुम वाकई खौफ से भरे हो, अंधेरे से डरते हो, अफ्रेड यानी डरना। द होल विलेज प्लंज इन टू डार्कनेस, प्लंज यानी डूब जाना, पूरा का पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। द लायंस डिवोर्ड देयर प्रे हंगरीली, डिवोर्ड यानी तेज़ी से खा लेना, शेरों ने अपना जो शिकार था वो जल्दी से तेज़ी से खा लिया। ही स्किम्ड थ्रू द रिपोर्ट, और वो उस रिपोर्ट के करीब से गुजरा। वन बाय वन द स्टार्स अपीयर्ड इन द स्काई, एक के बाद एक आसमान में सितारे जाहिर होने लगे, अपीयर होना जाहिर होना दिखना। वन बाय वन द स्टार्स अपीयर्ड इन द स्काई, पिक आउट फ्रॉम द पैसेज द होमोफोन्स फॉर द फॉलोइंग, होमोफोन्स क्या होते हैं, ये सेम प्रोनाउंसिएशन के वर्ड होते हैं लेकिन इसका अल्फ़ाबेट अलग होते हैं। अब देखिए यहाँ पर सी, वुड, देयर और सीन, ये दिए गए, सी देखना और सी यानी समंदर, वुड यानी कि लकड़ी और वुड यानी ये आपको मॉडल ऑक्सिलरी दिया गया है या विल का, वुड पास्ट में विल का वुड होता है। देयर यानी वहाँ, देयर यानी उनका, सीन यानी मंजर, सीन यानी देख चुका या देखा।
एक्सप्लेन हाउ द अंडरलाइन होमोग्राफ्स डिफर इन मीनिंग। अब ये होमोग्राफ्स का मीनिंग में कैसा डिफरेंट होता है वो देखना है। अब ये होमोग्राफ में क्या होता है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट भी एक जैसे होते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी एक जैसा होता है, सिर्फ मीनिंग अलग होते हैं, इसे होमोग्राफ कहते हैं। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स, उसने उसके दो भाइयों को देखा। द वुड कटर कट द वीकेंड ब्रांच विथ हिज शार्प सॉ। अब यहाँ पहले इसमें सॉ यानी देखा, दूसरे में सॉ यानी आरी, ये लकड़ी काटने की आरी होती है उसे भी सॉ कहते हैं। इन द सेंटेंस ए द होमोग्राफ सॉ इन द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड सी। इन द सेंटेंस बी होमोग्राफ सॉ मीन्स अ टूल ऑफ कारपेंटर यूज फॉर कटिंग वुड। द बर्ड इंजर्ड हिज विंग, अब ये जो विंग है ये पंख के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी परिंदे ने अपना पंख क्या किया, जख्मी कर लिया। ही लिव्स इन द सी विंग ऑफ द बिल्डिंग, अब ये क्या है, ये सी विंग यानी कि एक हिस्से के लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है बिल्डिंग के, वो बिल्डिंग के सी विंग के हिस्से में रहता है। इन द सेंटेंस ए होमोग्राफ विंग मीन्स द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ए बर्ड यूज फॉर फ्लाइंग। इन द सेंटेंस बी द होमोग्राफ विंग इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ ए लार्ज बिल्डिंग। द एरोप्लेन विल लैंड एट 9 PM शार्प, अब यहाँ लैंड के मायने यहाँ पर यानी उतरना। ही ओन्स 10 acres ऑफ लैंड, यहाँ लैंड के मायने जमीन। इन द सेंटेंस ए द होमोग्राफ लैंड मीन्स टू कम डाउन थ्रू द एयर ऑन टू द ग्राउंड। दूसरा, इन द सेंटेंस बी इट मीन्स एन एरिया ऑफ ग्राउंड यूज फॉर सम पर्पस। फोर्थ है, द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन वॉज ऑन लीव, यहाँ पर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन सदर के लिए इस्तेमाल किया गया है। दूसरा, ही बेंड हिज हेड डाउन विथ रेस्पेक्ट, अब यहाँ हेड ये सर के लिए इस्तेमाल किया गया है यानी डोका। इन सेंटेंस ए हेड मीन्स द पर्सन इन चार्ज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। इन सेंटेंस बी हेड मीन्स द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑन टॉप ऑफ द नेक। अब गेस द मीनिंग, मस्टर ऑफ करेज, क्लिफ अपग्रेडिंग, ब्रिंक। अब पहले का मीनिंग क्या है, टू गैदर करेज यानी बहुत ही ज़्यादा हिम्मत जुटाना। दूसरा, क्लिफ अ हाई स्टीप फेस ऑफ अ रॉक। तीसरा, अपग्रेडिंग यानी स्कॉल्डिंग यानी बुरा भला कहना। और चौथा, ब्रिंक यानी द एज ऑफ ए स्टीप प्लेस यानी एक ढलवान सतह का किनारा। अब रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज, ये सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज है। ट्रू फॉल्स यहाँ पर फिर से दिया गया है। व्हेन द यंग सीगल प्रिटेंड टू बी फॉलिंग एस्लीप हिज पेरेंट्स टुक नोटिस ऑफ हिम। रॉन्ग, फॉल्स यानी उसने ऐसा दिखाया कि वो सोने की कोशिश कर रहा है तो उसके पेरेंट्स ने उसका नोटिस लिया, नहीं लिया था। फ्लाइंग अक्रॉस द यंग सीगल द मदर ड्रॉप्ड इनटू हिज बीक अ पीस ऑफ फिश, यानी क्या किया, उड़ते हुए यंग सीगल की मदर ने वहाँ पर एक फिश का टुकड़ा उसे दे दिया था क्या। फॉल्स, नहीं दिया था। द यंग सीगल वॉज फेड अ पीस ऑफ फिश बाय हिज मदर, यंग सीगल को उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा खिलाया था क्या, नहीं खिलाया था। फॉल्स, द यंग सीगल फादर वॉज प्रिनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बीक, वाइट बैक। तो यंग सीगल का फादर क्या कर रहा था, अपने पंखों को सवार रहा था, प्रिनिंग यानी सवारना। ट्रू, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटीज़ है। व्हाट वेयर द यंग सीगल्स पेरेंट्स डूइंग, यंग सीगल के पेरेंट्स क्या कर रहे थे। द यंग सीगल्स फादर वॉज क्लीनिंग हिज वाइट बैक फीदर्स स्मूथ विद हिज बीक। हिज मदर वॉज लुकिंग एट द यंग सीगल, शी स्टूड ऑन अ लिटल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, हर वाइट ब्रीस्ट वॉज थ्रस्ट फॉरवर्ड नाउ एंड अगेन, शी टोर एट अ पीस ऑफ अ फिश डेट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैब्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, शी वॉज ट्राइंग टू अट्रैक्ट द यंग वंस अटेंशन टूवर्ड्स द पीस ऑफ फिश। यंग सीगल का फादर क्या कर रहा था, अपने पंख सवार रहा था, उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी, वो एक प्लेटू के ऊपर एक हम यानी कि एक छोटी सी चट्टान उभरी हुई थी उस पर खड़ी हो गई, उसने अपने उसका जो सीना था वो आगे आ गया था और उसके बाद उसने क्या किया, एक मछली का टुकड़े को चोंच से तोड़ा, उसे घिसा चट्टान पे, रॉक पे, और उसके बाद वो यंग सीगल को बताने लगी। कंप्लीट द वेब, ये जो है एक वेब है फ्लो चार्ट, उसे अब कंप्लीट करना है। द सन वॉज एसेंडिंग इन द स्काई एंड इट्स हीट मेड हिम हॉट, यंग सीगल फेल्ट हॉट बिकॉज, मोर देन द हीट ऑफ द सन ही फेल्ट द हीट ऑफ हिज हंगर बिकॉज ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस द प्रीवियस नाइट। अभी उसकी दो एक्टिविटी है। अब ये टेक्सुअल कंटेक्चुअल ग्रामर की एक्टिविटी है, इसमें टेंस पहचानना है और उसको अंडरलाइन करना है, कौन सा वर्ड दिखाता है कि वो टेंस कौन सा है।
हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे. हैड और फ्लोन ये पास्ट परफेक्ट टेंस बताता है. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. कुड और मूव ये सिंपल पास्ट टेंस बताता है. ही बिकेम अफ्रेड सिंपल पास्ट टेंस. सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम ये भी क्या बताता है. हैड कम पास्ट परफेक्ट टेंस बताता है. पर्सनल रिस्पॉन्स है. आर यू अफ्रेड ऑफ प्लेइंग एनी आउटडोर गेम. एक्सप्लेन व्हाई. येस आई एम अफ्रेड ऑफ प्लेइंग कबड्डी. इट अपीयर्स टू मी डैट इट इज़ अ वेरी रफ एंड टफ गेम. यस यानी हाँ मैं कबड्डी खेलने से डरता हूँ और मुझे लगता है कि रफ एंड टफ गेम है. आई एम वेरी मच अफ्रेड ऑफ द इंजरीज कॉज्ड इन इट और मैं इसमें लगने वाले जख्म से डर जाता हूँ. आई कैन नॉट एंड्योर द थॉट ऑफ इंजुरी और मैं जख्म होने को बर्दाश्त नहीं कर सकता. आई बिलीव डैट इट इज़ अ गेम फॉर ओनली स्ट्रॉन्ग एंड हेफ्टी पीपल और मुझे भरोसा है कि ये जो गेम है ये सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए है. हाउ डिड द यंग सीगल लर्न हिज फर्स्ट फ्लाइट. अब ये यंग सीगल ने अपने फर्स्ट फ्लाइट कैसे सीखी थी वो उसका आंसर लिखना है. When the young seagull was calling his mother plaintively, his mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. जब यंग सीगल अपनी माँ को बुला रहा था तो उसकी माँ ने क्या किया, मछली का एक टुकड़ा काट तोड़ा और उड़कर उसके करीब आ गई. He learned out eagerly, trying to get nearer to her as she flew across. और वो he leaned यानी वो आगे झुक आए ताकि वो अपनी मदर के नज़दीक जा सके. बट वेन द पीस ऑफ फिश इन हर बीक वॉज ऑलमोस्ट विथ हिज रीच लेकिन जब मछली का टुकड़ा उसके चोंच के एकदम करीब था. हिज मदर हाल्टेड हर विंग्स मोशनलेस उसकी मदर ने अपने पंख वहीं रुका दिए और वो वहीं रुक गई, मोशनलेस हो गई. मैडेंड बाय हंगर द यंग वन डाइव्ड एट द फिश और भूख के मारे उस यंग सीगल ने मछली की तरफ छलांग लगा दी. While doing so, he fell outwards and downward into space. जब उसने ऐसा किया तो वो नीचे की तरफ खला में स्पेस में झूल गया और नीचे गिरने लगा. He was frightened, but the next moment he felt his wings spread outwards. वो डरा हुआ था लेकिन अचानक उसके पंख बाहर की तरफ खुल गए. The wind rushed against his breast और हवा जो है उसके छाती से लग कर जा रही थी. देन अंडर हिज स्टमक और उसके पेट से एंड अगेंस्ट हिज विंग्स और उसके पंखों से. हिज विंग्स कट थ्रू द एयर और उसके पंख जो है उससे कट कर जा रहे थे. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाव और वो अब नीचे नहीं गिर रहा था. ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे की तरफ जा रहा था और ऊपर उठ रहा था. दिस इज हाउ ही लर्नड हिज फर्स्ट लेसन ऑफ फ्लाइट और इस तरीके से उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट मुकम्मल की. वोकैबुलरी की एक्टिविटीज़ है एसेंडिंग मैडन्ड सोरिंग सीज्ड एसेंडिंग राइजिंग अप मैडन्ड मेड वन वेरी एंग्री सोरिंग फ्लाइंग अपवर्ड इनटू द एयर ग्रैब्ड सीज्ड यानी ग्रैब्ड. अब यहाँ पर आपको होमोफोन्स वापस से पिकअप करना है. इसके आंसर्स दिए वन वन डब्ल्यू एन ओ एन वन वो एन ई वन आई यानी आई आई यानी आँख पीस यानी अमन पीस यानी टुकड़ा थ्रू यानी कि फेंकना थ्रू यानी कि उसकी सतह से उससे गुजरना नॉट यानी गांठ और नॉट यानी नहीं. अभी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल ढूंढना है पैसेज में कौन से प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि ing जिसमें लगता है वर्ब फॉर्म में उसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ सकते हैं. ascending ascend से ascending stand से standing fall से falling lie से lying doze से dozing preening look से looking scrap से scrapping beg से begging call से calling fly flying tap tapping try trying wonder wondering cutting soar soaring. अब यहाँ पर कुछ adjectives हैं उसके नाउन से क्या करना है जोड़ियाँ लगाना है. तो हाई स्क्रीम जॉयफुल नाइटफॉल मॉन्स्ट्रस हम प्रीवियस टेरर. नेक्स्ट ये रिलेटेड वर्ड्स दिए गए हैं इसमें आपको उसके सेंटेंसेस में उसे फिल अप करना है. प्लेंटिवली मॉन्स्ट्रस वेट एंड सोर द यंग विडो प्लेंटिवली मॉर्न व्हेन शी सॉ हर हस्बैंड्स डेड बॉडी इन अ कॉफिन कवर्ड बाय ट्राई कलर. और जो
नौजवान खातून थी, बेवा हो गई थी, उसने अपने उदासी का इजहार किया जब उसने अपने शौहर की हस्बैंड की डेड बॉडी को तिरंगे में लिपटा हुआ कफन में देखा। अ मॉन्स्ट्रस वेव स्वालोड द वोट इन अ कॉफिन कवर्ड बाय ट्राइकलर। ही वेटेड हिज नाइफ टू कट द अनवांटेड प्लांट्स इन द गार्डन। द रॉकेट सोड अप इन टू द एयर। इन रॉकेट हवा में ऊपर की तरफ उड़ गया। अब ये ग्रामर है, इसमें आपको टेंस पहचानना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है। द सन इज असेंडिंग द स्काई। द सन हैज़ बीन असेंडिंग, इज असेंडिंग, हैज़ बीन असेंडिंग द स्काई। अब यहाँ सेंटेंसेस है, उसका टेंस पहचानना है। द सन वॉज असेंडिंग, नाउ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, सिंपल पास्ट टेंस। शी इज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जो अंडरलाइन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है वो टेंस बताते हैं। ही लीन्ड आउट ईगरली, सिंपल पास्ट टेंस। ही जस्ट फेल्ट डिजी, सिंपल पास्ट टेंस। पर्सनल रिस्पॉन्स है। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करके पर्सनल रिस्पॉन्स को कंप्लीट किया गया है। द सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही थॉट दैट हिज स्मॉल शॉर्ट विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम टू फ्लाई एंड वुड फॉल एंड ड्रॉन इन द सी। यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट बिकॉज दे आर नॉट कॉन्फिडेंट एट देयर फर्स्ट फ्लाइट। ह्यूमन बींग्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू फेस ग्रेट चैलेंजेस बिकॉज आई थिंक ह्यूमन बींग ऑल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप। इट इज़ देयर नेचुरल इंस्टिंक्ट व्हेन दे ट्राई टू स्टैंड एंड देन टू टेक फर्दर स्टेप्स दे आर अफ्रेड ऑफ फॉलिंग एंड गेटिंग इंजर्ड। सो दे आर कॉशियस एंड अलर्ट बट डू नॉट गिव अप। सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी है, ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द यंग सीगल कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाई एंड सोर एंड कर्व। उसके बाद ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। उसके बाद ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स। फोर्थ ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूजेडली। उसके बाद कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी है, ये वेब कंप्लीट करना है। मदर द फैमिली इज वेलकमिंग टू द यंग सीगल्स फर्स्ट फ्लाइट। यानी यंग सीगल्स की फर्स्ट फ्लाइट को फैमिली कैसे कंप्लीट कर कमेंट कर रही थी उसे बोलना है। मदर क्या कर रही थी? हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम मेकिंग लाउड नॉइस ऑफ हर विंग्स। फादर क्या कर रहा था? हिज फादर फ्लू ओवर हिम एंड स्क्रीम्ड। हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स क्या कर रहे थे? दे फ्लू अराउंड हिम कर्वेटिंग एंड फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन द अदर। फॉर द होल फैमिली ऑल ऑफ देम वेयर सोरिंग एंड डाइविंग टू एक्सप्रेस देयर जॉय। व्हाई डिड द यंग सीगल फॉरगेट व्हाट डिड ही डू देन। यंग सीगल क्या भूल गया था उसने उसके बाद क्या किया? द यंग सीगल कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। वो भूल गया था कि वो उड़ नहीं सकता। ही कमेंडेड हिमसेल्फ फॉर हिज डाइविंग एंड सोरिंग एंड कर्वेटिंग श्रीकिंग श्रीली। और उसने डाइविंग और सोरिंग सीख लिया और कर्वेटिंग भी सीख लिया। व्हेन डिड द यंग सीगल गेट हिज प्राइज्ड स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। यंग सीगल को उसका जो इनाम है डॉग फिश कब मिला? द यंग सीगल वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड आफ्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट। यंग सीगल अपनी फर्स्ट फ्लाइट के बाद पूरी तरीके से थक चुका था, एग्जॉस्ट हो चुका था। ही ड्रूप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। और उसने अपने पैरों को उस हरे समंदर के यानी घास के मैदान में डाल दिया। हिज लेग्स सैंक इन इट, उसके पैर उसमें डूब गए। ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाया विथ फ्राइट एंड ट्राइड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स। और वो चिल्लाया और खौफ के मारे वो कोशिश करने लगा कि पर पंख फड़फड़ा कर दोबारा उड़ जाए। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक, लेकिन वो थक चुका था, कमज़ोर हो चुका था विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, भूख के मारे और वो उड़ नहीं सका। हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही कुड सिंक नो फार्दर। और उसकी जो पेट है वो उस हरे समंदर से टच हो गया, छू लिया उसने, और उसके बाद में वो नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और वो उस पर तैर रहा था। हिज फैमिली एडमायर्ड हिज फ्लीट, उसकी फैमिली ने उसकी जो अचीवमेंट थी उसको बहुत पसंद किया। एंड ऑफर्ड हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश विच ही डिजर्व्ड, और उसे डॉग फिश के टुकड़े दिए जिसका वो हकदार था। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा।
अब यहाँ कुछ वर्ड है उसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, इसके आंसर्स डायरेक्टली दिए हुए हैं। द रॉकेट सोर्ड अप इनटू द स्पेस। उसके बाद दूसरा, आवर अचीवमेंट इन साइंस एग्जीबिशन वॉज हाईली कमेंडेड बाय आवर प्रिंसिपल। ही वॉज टोटली एग्जॉस्टेड आफ्टर द डेज टेडियस वर्क। नेक्स्ट, यहाँ पर कॉलम को और वर्ड को क्या करना है, मैच करना है। कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए हैं और उसकी मीनिंग बी में है। रिज अ चेन ऑफ हिल्स, एग्जॉस्ट वियर आउट, श्रीक मेक अ लाउड क्राई, स्क्रैप्स स्मॉल एंड थिन पीसेस। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं उसके मीनिंग दिए हुए हैं और उसका यूज है। बेकॉन करवेटिंग एग्जॉस्ट एंड अम्यूसेडली। अब यहाँ पर हमने अंडरलाइन नहीं किया है लेकिन उसे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में कुछ को बनाया है और आप उसे देख कर समझ लीजिए। दे वेर ऑल बिकॉनिंग, बिकॉन से बिकॉनिंग हिम टू जॉइन दैट टीम बट ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड। द ईगल वॉज करवेटिंग टू लैंड ऑन टू द ग्राउंड टू कैच हिज प्रे। द ओल्ड मैन वॉज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड आफ्टर द डेज लॉन्ग वर्क। द चिल्ड्रन प्लेड इन द रेन मेरिली एंड अम्यूसेडली। नेक्स्ट, अब ये ग्रामर बेस्ड एक्टिविटी है, WH क्वेश्चन बनाना है। वेयर वॉज ही नाउ, ही वॉज नियर द सी नाउ। तो आपको क्या करना है, वेयर का इस्तेमाल करके पहले बनाएंगे। कहाँ पर था वो, सी पर था, तो हम क्या पूछेंगे, वेयर वॉज ही नाउ, वो अब कहाँ था। ही कुड नॉट राइज, एड ए क्वेश्चन टैग, यानी टेल टैग लगाना है, क्वेश्चन टैग लगाना है। ही कुड नॉट राइज कॉमा कुड ही, ये इसका स्पेलिंग दुरुस्त कर लीजिए, कुड में CUELD लगाना है। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर, यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो, बट यू नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करना है। बट ही वॉज नॉट ओनली टायर्ड बट ऑल्सो वीक विथ हंगर। ये ग्रामर के वीडियो में हम पूरा ग्रामर कंप्लीट करेंगे, अगले वीडियो हमारा एड ए क्वेश्चन टैग पर ही रहेगा। पर्सनल रिस्पॉन्स है, हाउ डज योर फैमिली हेल्प यू टू अचीव योर गोल। आपके फैमिली आपको कैसे मदद करती है आपको गोल को हासिल करना है। माई फैमिली इज ऑलवेज देयर टू हेल्प मी इन माई वर्क। मेरी फैमिली हमेशा मेरे पास होती है मुझे हेल्प करने के लिए। ईच वन ऑफ देम स्पेशली माई पेरेंट्स हेल्प मी इन डिसाइडिंग माई गोल। हर कोई मेरे साथ होता है, ख़ासतौर पर मेरे पेरेंट्स मेरे हदफ को, मेरे गोल को हासिल करने में। इफ आई नेग्लेक्ट एनी डे, अगर मैं किसी को किसी दिन नेग्लेक्ट करूँ, दे रिमाइंड मी ऑफ माई गोल ऑल द वाइल, वो सब मुझे मेरे गोल की तरफ इशारा करते हैं। दे ऑल आर रेडी टू गाइड मी, वो सब तैयार होते हैं मुझे गाइड करने के लिए। इन देयर ओन वे, अपने ही रास्ते अपने ही तरीके से, टू अचीव वाट एवर आई डिज़ायर, ताकि मेरी जो ख्वाहिश है वो मैं हासिल कर सकूँ। दे ऑलवेज एनकरेज एडमायर एंड प्रेज मी इवन फॉर माई स्मॉलेस्ट अचीवमेंट। वो हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं, इनकरेज करते हैं, एडमायर उसे पसंद करते हैं, प्रेज तारीफ करते हैं मेरी छोटी से छोटी अचीवमेंट को। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। तब अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए।